अरे बेटा अभी तक पढ़ रहे हो? जी पापा। अरे तो 4:30 बज गए, अब तो सो जाओ। बस पापा, एक चैप्टर करके सो जाओ। वाह बेटा, मुझे यकीन हो गया कि तुम अपनी माँ का सपना जरूर पूरा करोगे। गाइस ये राहुल था, और टू सम इट अप ही इज अ टॉपर। उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, हर कोई उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस साल AIPMT में वो टॉप करेगा। आइए देखते हैं उसका एग्जाम कैसा जा रहा है। नमस्ते सर, तो देखिए क्या हो गया इसको, एक महीना एग्ज़ाम को बचा हुआ है और अभी ये बीमार पड़ गया। सदाकांत जी आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आपका लड़का बहुत ही होनहार और ब्रिलियंट लड़का है। इसमें मेरे को इतने साल हो गए हैं टीचिंग एक्सपीरियंस के, लेकिन ये आज तक का मेरा सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है और ये एक महीने में आराम से निकाल लेगा और इंडिया के टॉप रैंकर्स में से एक बन के आएगा ऑल इंडिया में। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है एग्ज़ाम कैसे देगा ये। नहीं, एग्जाम में निकाल, इसने पहले बहुत पढ़ाई की है, वो तो अभी चलो ये बुरी किस्मत मान लो, अनफॉर्चुनेटली ये सब हो गया, लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और ये आराम से AIPMT में टॉप रैंक निकालेगा। अरे राहुल, आज तुम्हारे रिजल्ट का दिन है ना? हाँ पापा। क्या हुआ रिजल्ट का? साइट नहीं मिली। अरे साइट वाइट के कहाँ चक्कर में पड़े हो यार, तुम्हारा तो सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा और डोंट वरी, तुम टॉप 100 में सेलेक्ट हो गए और मैं चाहता हूँ कि इसी शहर में रहो। वैसे भी मैं तुम्हारी माँ के जाने के बाद बहुत अकेला हो गया हूँ। हेलो, अरे हाँ भाई सिंह साहब, आ रहा हूँ। अरे हाँ, रिजल्ट आ गया है लेकिन अभी साइट नहीं खुल रही है, और वैसे भी यार मेरे बेटे का तो सिलेक्शन टॉप 100 में होना है। हाँ हाँ, मिठाई रख लिया हूँ मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ, बस 10 मिनट रुको, मैं आ ही रहा हूँ बस। सिंह साहब, मैं आपको 5 मिनट बाद फोन करता हूँ। राहुल, पढ़ा नहीं रहे हो तुम, सो रहे हो, दिन भर सोते रहते हो, ऊपर से सिलेक्शन नहीं हुआ। थोड़ी देर सोया था। थोड़ी थोड़ी देर करके तुमने अपना सिलेक्शन रुकवा दिया है। तुम्हारी फ्रेंड नूपुर, वो सिलेक्ट हो गई, अभी उसका इंटरव्यू देख के आ रहा हूं मैं। तुमने मेरा नाक कटवा दिया है सारे मोहल्ले में और सारी बिरादरी में। अब परसों ही मैं तुम्हें कोटा ले जा रहा हूं, वहां तुम कोचिंग करोगे। कोटा क्यों नहीं? तुम्हें परसों में कोटा ले जा रहा हूं, एंट्रेंस फाइनल। अपना बैग पैक कर लो प्लीज। कोई प्लीज नहीं, जितना कह दिया उतना करो, अभी तक जितना कहा है उतना मैंने किया, अब मैं जो कह रहा हूं वो करो, समझे? आज राहुल को अपनी माँ की कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। सॉरी माँ, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया, मैं हार गया माँ, मैं हार गया। आज आपकी बहुत याद आ रही है माँ, काश आज आप मेरे साथ होते। राहुल, क्या करने जा रहा था तू? अंकल, अंकल देखो ये क्या कर रहा था, जहर पी रहा था ये जहर। राहुल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। गाइस, राहुल भले ही फिक्शनल हो लेकिन उसकी स्टोरी फिक्शनल नहीं। गाइस, डिप्रेशन किसी के साथ भी हो सकता है और बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली इसका मुकाबला नहीं कर पाते। गाइस, जैसा आपने स्टोरी में देखा कि राहुल के पेरेंट्स और उसके टीचर्स के एक्सपेक्टेशन ही उसके लिए बर्डन बन गए। राहुल के साथ जो भी हुआ, इसके बाद क्या हुआ राहुल के साथ, आइए देखें।
थैंक यू सर, काउंसलिंग के बाद मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ को और बेहतर तरीके से जी सकता हूँ। आज हमने राहुल की स्टोरी देखी। ऐसे बहुत सारे राहुल हमारे सोसाइटी में हैं जो सुसाइड करने जा रहे हैं, अभी हम उनकी जान बचा सकते हैं। लोगों में आज भी डिप्रेशन के लिए बहुत सारी अवेयरनेस की कमी है। बहुत सारे लोग ऐसे लगता है कि अगर वो जिनको काम करने की इच्छा कम है, चिड़चिड़ हो रही है जिंदगी में, या किधर कोई चीज़ों में पढ़ाई में ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो लोग सिर्फ साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास इस वजह से नहीं जाते कि उनको सिर्फ ये चीज़ का स्टिग्मा है कि लोग हमें कहीं पागल ना कहें, जो कि सरासर गलत है। हर एक इंसान को जिंदगी में कहीं ना कहीं मदद की जरूरत होती है। जैसे राहुल ने भी, वैसे मुझे लगता है कि हर जो व्यक्ति इस समस्या से गुजर रहा है उसने मदद लेनी चाहिए। WHO जो एक संस्था है उसके अनुसार पूरी दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन होने की संभावना है। साथ ही में इसका जो प्रमाण है वो महिलाओं में 2 गुना ज़्यादा है। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों में इसके प्रति जो एक सूचना का अभाव है उसके वजह से लोगों को इसकी तकलीफ ज़्यादा हो रही है और इसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड। लेट्स टॉक अबाउट।